संकल्प का एक ही विकल्प जिद, जीत की। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स हाजिर हो आज के मैं प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। आज बहुत ही प्यारा सा एलजेब्रा का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जरा इस खूबसूरत सवाल को आप सब देखिए, खुद भी सॉल्व करिए और साथ ही साथ पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के क्वेश्चन के नेचर को भी समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन भाई देर किस बात की, फास्ट हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका एलजेब्रा का है कि इन्होंने एक बात कही कि इफ यानी यदि यक्स और प्लस वन अपान यक्स इज इक्वल टू फोर, तो हम सबको जो फाइंड करना है वो यक्स की पावर फाइव प्लस वन अपान यक्स की पावर फाइव, ये क्या होगा, आप सबको इतना ही बताना है। अब देखिए प्यारा सा क्वेश्चन आपको, ये तो बहुत आसानी समझ में आ गया। फटाफट लगाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हमें बताइए कि आपका आंसर क्या आया। चलिए अब मेरे साथ भी समझ लीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करूं तो पहले क्वेश्चन को तोड़ लो कि भाई पावर फाइव किस केस में आ सकती है। तो पावर फाइव दो केस में आ सकती है फ्रेंड्स। एक बार तब जब मैं यक्स प्लस वन अपान यक्स की पावर थ्री कर दूं, बोलो। सेकेंड केस तब आएगा जब मैं यक्स इंटू वन प्लस x प्लस वन अपान x की पावर टू कर दूं, तब तो दो तीन पांच आएगा। यानी एक बार हम इस वाले पक्ष का क्या कर देंगे, CBS कर देंगे और फिर हम SBS कर देंगे तो आंसर आएगा CBS यानी क्यूबिंग बोथ साइड्स। बहुत अच्छी बात। देखो जब इसका क्यूब करोगे तो आप सभी जानते हो कि a प्लस बी का क्यूब है, तो ये हो जाएगा a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, तो x क्यूब प्लस वन अपान x क्यूब प्लस भाई थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो आप यहाँ फोर कर दो और बराबर चार का क्यूब चौंसठ हो जाएगा। इधर चौंसठ से बारह घटा देना तो हमारे पास ये आ गया यक्स क्यूब और प्लस वन अपान यक्स क्यूब इज इक्वल टू 52 के। क्लियर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अब आप सभी लोग क्या कर दीजिए, SBS अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो भाई आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये भी तो टू बचेगा, तो बराबर आप सब लोग चार चौक सोलह और सोलह में से दो को घटा दीजिए तो चौदह आ गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये रहा तो आप सीधे कह देना सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। देखो अगर इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, किसका, इस वाले का और इस वाले का, तो हमारे पास ये आएगा यक्स क्यूब प्लस वन अपान यक्स क्यूब और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर बराबर, भाई यहां से हम ले लेंगे कितना, बावन और चौदह, तो बावन और गुणे में चौदह कर देता हूं। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा यक्स क्यूब और प्लस आ जाएगा यानी यक्स की पावर फाइव, टोटल मल्टीप्लाई कर लो x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा कितना भाई, यही वाला x और प्लस 1 अपान x बराबर, मल्टीप्लाई करो तो 14 दूनी 28, 14 25 70 दो 72 728, x प्लस 1 अपान x की वैल्यू कितनी भाई 4, तो इस वैल्यू को 4 इधर पक्षांतर करके घटा देना तो 724 आपका करेक्ट आंसर है। बोले समझ में आ गया। तो फास्ट एक सवाल और देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार आपके लिए सवाल होगा। जरा उस क्वेश्चन को भी हम देख लें कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए, और हाँ आप सभी के लिए हमने कहा एक नया क्वेश्चन हमने दिया, कॉन्सेप्ट दिया प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे का, प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि इनमें आप जितना दिन भर भी पढ़ाई करो, एक नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो इधर लेटेस्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, चाहे वो CGL CHSL किसी भी एग्जामिनेशन के बेहतरीन क्वेश्चन हैं। अगर वो क्वेश्चन कंटिन्यू आपके सामने से गुजरेंगे तो आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतरीन। अब 5-7 मिनट की वीडियो तैयार आराम से देखी जा सकती है। सो आप सब लोग इसे रेगुलर देखें, अपनी तैयारी को और बेहतर करें। भाई अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, ये भी मजेदार सवाल है। क्या लिखा भाई, ये क्वेश्चन आपका है कि ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, एक पहली इंफॉर्मेशन दी गई,
और सेकंड केस में लिखा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 16/15। तो हम सबको जो फाइंड करना है वो यक्स क्यूब और प्लस में क्या है वाई क्यूब, ये बराबर क्या आ जाएगा अपना ये प्रश्न है। इस सवाल को आप सब लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो 3-4 सेकंड के आसपास वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करिए और इसके बाद फिर सॉल्यूशन मेरे साथ जो मैंने कराया उसको देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाए। फिलहाल आप समझते हैं मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहले इसे सॉल्व कर लो। अगर इसको करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपान में एक्स वाई बराबर 16/15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, 4 से काट दो 4 चौक 16, यहां से इसका पक्षांतर करो तो एक्स वाई बराबर कितना लिखोगे 15/4, राइट। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हमारा यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो, सब लोग बोलो, यक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू यक्स प्लस वाई, यही ना। देखो यक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो 4 की पावर 3 मतलब 64 लिख दो, माइनस 3 इंटू यहां से यक्स वाई की वैल्यू इतनी है तो 3 इंटू 15/4 और इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 लिख देना। तो बच्चों 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 15 3 45 हो जाएगा। अगर 64 में से 45 को आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 19 आ जाएगा, तो यानी आपका 14 में से 5 गया 9, 5 1 4 और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज के दोनों ही प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आगे आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ये हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, आप सब इंजॉय करिए, हम आपसे मिलते हैं आपके अगले प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे में।